इसरो ने अपने ताजा अपडेट में बताया है कि ध्रुवीय क्षेत्र जहां चंद्रयान 3 उतरा है वहां चांद की मिट्टी और चट्टानें किससे बनी हैं और यह अन्य उच्च भूमि क्षेत्रों से किस प्रकार अलग है। ये वो सवाल है जिनका जवाब चंद्रयान 3 रोवर अपने वैज्ञानिक उपकरणों से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि वीडियो में देखा गया है, रोवर पर मौजूद अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS चंद्रमा के नमूने का निरीक्षण करने के लिए नीचे तैनात हो गया है, जिसे लैंडर इमेजर द्वारा कैप्चर किया गया है। APXS उपकरण चंद्रमा जैसे कम वायुमंडल वाले ग्रह पिंडों की सतह पर मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना के इनसीटू विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें रेडियोधर्मी स्रोत होते हैं जो सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। नमूने में मौजूद परमाणु बदले में मौजूद तत्व के अनुरूप विशिष्ट एक्सरे लाइनें उत्सर्जित करती हैं। इन विशिष्ट एक्सरे की ऊर्जा और तीव्रता को मापकर शोधकर्ता मौजूद तत्व और उनकी प्राचुरता का पता लगा सकते हैं। APXS जांच ने एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्व के अलावा सल्फर समेत दिलचस्प छोटे तत्व की उपस्थिति की खोज की है। जैसा कि पिछले अपडेट के मुताबिक हम जानते हैं कि रोवर पर लगे LIBS उपकरण ने भी सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की थी। इन अवलोकनों का विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण प्रगति पर है। चंद्रयान 3 के वर्तमान जांच में अभी तक चांद की सतह पर पानी या जीवन के किसी भी अस्तित्व की पुष्टि नहीं की गई है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।